या दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से प्लेस्टेशन के गेम अपने एंड्रॉइड, अपने आईफोन और अपने टैबलेट पर प्ले करवा सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, जहां पर आप लोगों को 1 लाख का प्लेस्टेशन खरीदना पड़ेगा। यहां पर आप लोगों को मैं ऐसे तरीका बताऊंगा कि आप लोग उसी 1 लाख वाले प्लेस्टेशन का गेम अपने एंड्रॉइड, अपने टैबलेट और अपने आईफोन पर बहुत ही आसान तरीके से प्ले करवा सकते हो। कैसे प्ले करोगे तो वो तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करो ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। या दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने अपने प्ले स्टोर को यहाँ से ओपन कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने टाइप कर देना है PPSSNPP। तो सिंपली आप लोगों ने उसको यहाँ से टाइप कर देना है और आप लोगों ने ये वाला इम्यूलेटर इंस्टॉल कर देना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नीचे कि आप लोग इसके जरिए प्लेस्टेशन के गेम अपने एंड्रॉइड डिवाइस में हाई डिफिनेशन में और एक्स्ट्रा फीचर के साथ आप लोग प्ले करवा सकते हो। तो सिंपली इसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, उसको ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप लोग इसको यहाँ से ओपन करोगे तो आप लोगों ने अपने मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर देना है 90 एंगल पे। आप लोगों ने थोड़ा सा वेट कर देना है ताकि आप लोगों के पास ओपन हो जाए। फिर इसके बाद सिंपली आप लोगों ने क्या कर देना है, गेम में आना है तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ से ब्राउज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ब्राउज पर क्लिक करोगे, आप लोगों के पास अगर गेम की सेटअप होगी तो सिंपली आप लोगों ने उसको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से टेक्नो स्पार्क 4 में चला जाता हूँ और मेरे पास गेम का जो सेटअप है वो पड़ा हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ISO फाइल गार्ड ऑफ वॉर गोस्ट ऑफ स्पार्टा ISO, वो मेरे पास तकरीबन 2GB का है। तो सिंपली मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अभी ये मेरे पास जो है यहाँ पे लोड हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना और इस तरीके से आप लोग अपने गेम को जो है यहाँ से प्ले करवा सकते हो। आप लोग को यहाँ पे कंट्रोल नजर आ रहे हैं तो सिंपली आप लोग ये वाला बटन यूज करवा सकते हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के पास बटन है और आप लोग फुल HD में जो है अपना गेम को जो है यहाँ पर प्ले करवा सकते हो। तो आप लोगों ने थोड़ा सा वेट कर देना है ताकि हमारे पास लूड हो जाए। और आप लोगों को कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए, सिंपली आप लोगों के पास एक ISO फाइल होना चाहिए। आप लोग इसको इजीली अपने एंड्रॉइड डिवाइस में ओपन करो और आप लोग यहाँ से गेम प्ले करवा सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप लोगों ने नीचे आना है, यहाँ से साउंड का थोड़ा सा मसला है तो मैं यहाँ से नीचे चले जाता हूँ। इस वाले बटन को यूज करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन में चला जाता हूँ। अगर सेलेक्ट करना है तो इसके लिए क्रॉस का बटन है तो मैं यहाँ से क्रॉस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से जो साउंड है मैं उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो उसको कम करने के लिए मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। और नीचे से यहाँ पे म्यूजिक जो है उसको भी मैं कम कर देता हूँ जल्दी से, और यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद बैक चला जाता हूँ और यहाँ से न्यू गेम को सेलेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। तो सिंपली सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को नीचे बटन मिल जाएगी। तो सिंपली मैं उसको यहाँ से क्या करता हूँ, नॉर्मल मेरे पास ठीक है तो मैं नॉर्मल सेलेक्ट करवा देता हूँ यहाँ से। और इस तरीके से आप लोगों के पास जो गेम है वो आप लोगों के पास स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, लाइक करो और कमेंट करना ना भूलिए। दुआ में याद रखिए, सलाम मिलेगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।